तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर जिम्बाब्वे वर्सेस गाम्बिया के बारे में। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा मतलब जो T20 होता है ना भाई, वो यहाँ पर मतलब कि हिटर्स का ही गेम होता है। मतलब कि आपको तो यहाँ पर जो बल्लेबाज जितनी ज़्यादा तेज खेल सकता है ना, उसे यहाँ पर T20 में उतना ही बढ़िया माना जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ना, तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जिम्बाब्वे और यहाँ पर गाम्बिया का यहाँ पर मैच चल रहा था, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर मतलब कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो एक टीम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितने रन बना सकती है 20 ओवर्स में। तो हमने अभी यहाँ पर कुछ समय पहले देखा था, यहाँ पर जो इंडिया है ना, उसने यहाँ पर 297 रन बनाए थे यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ। वो हमें यहाँ पर ज़्यादा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मतलब कि 2023 में यहाँ पर मतलब कि ना जो यहाँ पर नेपाल है ना, उसने यहाँ पर मंगोलिया के खिलाफ यहाँ पर 314 रन बनाए थे, जो कि यहाँ पर बहुत ही इनफ हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ना, तो भाई जो जिम्बाब्वे है ना, उसने यहाँ पर गाम्बिया के खिलाफ भाई मतलब कि आज यहाँ पर 344 रन बना दिए। मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि ये मतलब वैसे तो हम जिम्बाब्वे को आप सभी लोग पता होगा वो यहाँ पर मतलब कि वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इस बार। तो आप सभी लोग पता होगा ना मतलब 2024 का वर्ल्ड कप होता ना, उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखोगे ना भाई, और यहाँ पर अगर मैं बैटिंग की बात करूँ ना, तो भाई आप सभी लोग पता होगा सिकंदर रजा को तो हम लोग सभी अच्छे से जानते हैं, वो इतने हिटर बल्लेबाज नहीं है। लेकिन पता नहीं भाई आज इनको यहाँ पर क्या ही हो गया, तो भाई उन्होंने 43 बॉलों पर भाई 133 रन ठोक दिए, वो भी नॉट आउट। मतलब कि यहाँ पर इसके अलावा भाई अगर और यहाँ पर बॉल्स होती ना, तो भाई और भी ज़्यादा रन बन सकते थे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मतलब कि 43 बॉलों पर यहाँ पर 133 रन बनाते हैं, 300 यहाँ पर 9 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें कि वो 15 छक्के भी लगाते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ना, तो यहाँ पर मतलब कि इनके यहाँ पर मारू मानी यहाँ पर एक मतलब विकेट कीपर है, वो यहाँ पर 19 बॉलों पर 62 रन बनाते हैं। मतलब आप देख रहे हो ना भाई किस हिसाब से मतलब कि इन्होंने मारा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ना, 326 के स्ट्राइक रेट से 19 बॉलों पर 62 रन बनाते हैं, और यहाँ पर मतलब और यहाँ पर जो मदाने हैं ना, वो यहाँ पर मतलब कि 17 बॉलों पर 53 रन बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई, जो जिम्बाब्वे थे ना भाई, उसने यहाँ पर जो भाई कितना भी मतलब कि आप लोग देखोगे ना भाई, किसी का भी गुस्सा था ना भाई, वो यहाँ पर उन्होंने गाम्बिया पर निकाल दिया भाई, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो गाम्बिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 54 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, जो जिम्बाब्वे है ना, उसने यहाँ पर T20 में भाई 290 रनों से मैच को जीत लिया है। तो मतलब कि इतने रन अगर बनने, मतलब कि पहली बार तो दोनों टीमें मिलाकर के इतने रन नहीं बना पाती जितने रनों से यहाँ पर जिम्बाब्वे ने इस मैच को जीता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, अभी तो यहाँ पर पता चलेगा इस मतलब कि इस मैच से यहाँ पर कितने सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, और यहाँ पर वर्ल्ड में यहाँ पर कितने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर नए बने हैं। तो जैसे यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल स्मार्ट क्रिक जोन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।